प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दो शेयर बैंकिंग सेक्टर के जो काफी उम्मीद लगाई हुई है आज तकड़ी गिरावट आई है। पहला शेयर है यस बैंक, दूसरा शेयर है इंडसइंड बैंक। दोनों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी हुई है। क्या यहां से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है कि अब नीचे गिरने का समय आ गया है दोनों स्टॉक में? आइए जरा चलकर व्याख्या करेंगे, साथ साथ में टेक्निकल व्यू बताएंगे हमारा क्या रिकमेंडेशन है। देखिए, दो साल और तीन साल में कोई ज्यादा इतना इंपैक्ट नहीं है। जो प्रिंट मीडिया ने न्यूज बता दी है उसको कवर अप किया जा रहा है जो रियल न्यूज है। यहां पर अगर एक्सटेंशन किया है दो साल के लिए तो कोई धरती नहीं पलट गई है। इसकी वजह से यहां बताया जा रहा है 6% का मार्केट में यह स्टॉक गिरा है, जो कि एक क्लियर कट गलत पोजीशन बना रहे हैं दर्शकों के सामने। हम बताना चाहेंगे ये जो स्टॉक गिरा है इसका कहा जा रहा है कि इनके सीईओ का जो एक्सटेंशन है वो इन्होंने सिर्फ दो साल के लिए बोर्ड ने अप्रूवल किया है, और जिसकी वजह से स्टॉक में तीन साल का एक्सटेंशन एक्सपेक्टेड था और यहां पर ये डिसअपॉइंटेड द दलाल स्ट्रीट। दिस इज द प्रिंट मीडिया न्यूज, वी आर नॉट टोटली एग्रीइंग विद दिस। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा ड्रैग डाउन किया है स्टॉक को। क्या है असली वजह, आइए हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में काफी तकड़ा प्रेशर है बैंक्स पर। सिलिकॉन वैली बैंक, तीन बैंक ऑलरेडी यूएस में बंद हो चुके हैं। अगर सिलिकॉन वैली बैंक की बात की जाए, ये कैलिफोर्निया सेंटा कार्ला का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है। सिलिकॉन वैली बैंक की अगर बात करें तो टोटल एसेट जो इनके पास में 212 बिलियन के आसपास है, जो कि काफी तरह से नए स्टार्टअप्स को फंड करते हैं। एसवीबी वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन सिलिकॉन वैली, करीब 25% से ज्यादा मार्केट शेयर है। तो एक चौथाई बैंक सिलिकॉन वैली का खत्म हो गया, जो कि इनोवेशन का हब माना जाता है। वहां पर आपके 25% मार्केट शेयर वाइप आउट हो चुके हैं करंटली। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग गाइस। विल इट गो 2008 वे? हमारा मानना है यहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ है, जो शुरुआत हुई है सिलिकॉन वैली से, बट ये फर्दर गिरेगा नीचे। आपको याद होगा अगर आप शुरू में स्ट्रेट ट्रेडिंग करते थे, 2008 में लेमन ब्रदर की वजह से कोलैप्स शुरू हुआ था और वहां पर बैंक्स ने बेलआउट करना शुरू कर दिया था, बैंक्स को बेलआउट करना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट ने बेलआउट के लिए तो अभी मना कर दिया है, पर जो एसेट्स हैं ये समझिए, आपको एक पाउंड यानी कि सिर्फ 100 रुपए के बेसिस पर यह पूरा का पूरा बैंक का जो यूरोपियन जो यूके का ऑपरेशन है एसवीबी, ये एचएसबीसी ने खरीद लिया है। $1 में पूरा का पूरा बैंक खरीदा गया। देखिए, एक पाउंड में यानी कि 100 रुपए में आप पूरा का पूरा बैंक खरीद रहे हैं, जो कि काफी बड़ी हैसियत की मान्य समझा जा सकता है। हुआ क्या, इंटरेस्ट रेट जहां जीरो था वो धीरे धीरे बढ़ा रहा, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, दो गया, तीन गया, चार गया, अब जाकर 5 के आसपास आ गया है यूएस में इंटरेस्ट रेट, जो कि फाइनेंशियल मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो हुआ है वो बॉन्ड के ऊपर हुआ है। बॉन्ड की वैल्यू जो की जाती है वो मल्टीपल कॉर्पोरेशन के साथ में मिलकर की जाती है और उसमें कई एसेट लगे होते हैं, और सबसे प्राइमरी फैक्टर क्या होता है, एसेट की वैल्यूएशन कितनी है वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पर। यहां पर इंटरेस्ट रेट पर जो उन्होंने वेरिएशन रखा था वो मैक्सिमम रखा था कि इंटरेस्ट रेट आने वाले एक साल के अंदर 1% से 1.5% तक जाएगा, और वो बढ़कर इनका ऑलमोस्ट 5% के आसपास आ गया है, जिसकी वजह से बॉन्ड वैल्यूज जो हैं सारे बॉन्ड्स की मार्केट की गिरने लगी है, और जो उनके एसेट हैं वो उनको डिपॉजिट भी नहीं दे पा रहे हैं। मान लीजिए आपने पैसा बैंक जमा किया है बैंक में और आपको बोला जाए कि बैंक बंद हो गया, अब आपको पैसा नहीं मिलेंगे, और यहां पर फेडरल गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 50% आप निकाल सकते हैं, बाकी 50% का भी कुछ नहीं पता है। तो वेंचर कैपिटल फंडिंग एंगल हैज कम आउट, और जो इंडसइंड बैंक के साथ भी मिला हुआ है, इंडसइंड बैंक का यहां पर एक्सपोजर, दिस इज एक्सक्लूसिव वन ऑफ द पर्सन क्लोज टू द मैटर, 5,000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है यहां पर वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग के लिए, जिसकी वजह से ये अब वहां से पैसे नहीं निकल पाएंगे और ये एक चैलेंज होगा उन बॉन्ड की तरफ से। FII वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डिंग है इस बैंक में और ये आंख बंद कर इसको बेच रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या फैक्ट है कि नहीं है इस खबर में। उन्होंने मार्केट में पैनिक बटन सेलिंग शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट ने 7% की गिरावट दिखाई है। बहुत तकड़ी गिरावट आई है, ये बात समझिए। इतना आसान नहीं है इस स्टॉक में आगे कारोबार करना। डोंट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ। 2008 में काफी लोगों के हैंड्स बर्न हुए हैं, इस बात को समझिएगा। यहां पर आज मार्केट जब खुला, खुलते के साथ ही गैप के साथ खुला 1150 से सीधे के सीधे 15 मिनट के अंदर अगर देखा जाए तो 1090 पर चला गया। 60 रुपए एकदम सीधे गायब हो गए इस स्टॉक में से। उसके बाद
1060 पर जाकर बंद हुआ है। तो ये बहुत ही नेगेटिव व्यू बन रहा है स्टॉक का, इसमें अभी भी बॉटम नहीं बना है, टाइम करेक्शन भी आएगा इस स्टॉक में। अगर आप कुछ की पैरामीटर देखें तो बुलिंजर बैंड की बैंडविड्थ जो है अभी केवल 12 है, ये वॉलेटाइल मार्केट में बढ़कर आपकी बैंडविड्थ जो है ये 40 तक जा सकती है, तो अभी गिरावट और आ सकती है इस स्टॉक में। ये स्टॉक अभी और तेजी से गिर सकता है फर्दर, जैसे मार्केट ने आगे का कारोबार किया है। अगर एसजीएक्स निफ्टी को भी देखें तो एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 70 पॉइंट गिरा हुआ है, इसका सीधा सीधा अगर ट्रांसलेट करें तो ये कल शायद आपका 1000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इस बात को समझिएगा दोस्तों, दिस इज नॉट अ फन गेम हियर, पैसे लूट रहे हैं इस स्टॉक में, डू नॉट वेंचर आउट करंटली। अगर हम बात करें सुपर ट्रेंड की, तो सुपर ट्रेंड ने आज क्लियर कट इसको सेल सिग्नल बना दिया है यहां पर, और बैंडविड्थ अभी 37 है, बैंडविड्थ 20 के नीचे भी चली जाएगी इसकी, अभी इस बात को मैं सोचेगा कि ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, तो अभी भी मार्केट में ये तकड़ी गिरावट पोजीशन जारी रह सकती है इन सारे पैरामीटर के बेसिस पर। मैग्डी को देखें तो पिछले दो दिनों से ही इसने ऑलरेडी सेल सिग्नल इनिशिएट कर दिया था, और उम्मीद लगाई जाएगी कल ये फाइनल कंफर्मेशन कर देगा, ब्लैक नीचे आ जाएगी रेड के और ये फिर से 1000 के आसपास आएगा। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये कहां तक जा सकता है, तो देखिए आज की कैंडल से आपको समझ में आ गया होगा 12 मिलियन शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं इसके, और काफी बड़ी रेड कैंडल बनी है। पिछले दो महीने का अगर आप चार्ट देखें तो हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल बनना क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि अब नियर टर्म में इसमें करेक्शन रहेगा। अगर इसको वीकली चार्ट पर भी देखा जाए तो ये पैरामीटर इसका नीचे है, हमारी उम्मीद है ये 1000 के नीचे अब हेड कर रहा है। ये देखिए इस टाइम पर यहां 1000 के आसपास गया तो बाउंस बैक दिखाया था, बट अब ये इसी हफ्ते में 1000 के नीचे जाएगा। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन कि इंडसइंड बैंक विल गो बिलो 1000 रुपीज। तो इसका शेयर भाव अभी और नीचे गिरना बाकी है यहां पर, ये हम क्लियर कट बता रहे हैं आपको अपने एनालिसिस के बेसिस पर। और कहां सपोर्ट हो सकता है, अगर गिरा तो ये करीब 800 रुपए का एक राउंड फिगर है जहां इसने पहले सपोर्ट लिया था आपका जून जुलाई पिछले साल, ऑलमोस्ट एक साल पहले, ये एक सेविंग रेस हो सकता है। बट अभी के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 800 के आसपास इसको खरीदिएगा, समझिए इसमें अभी और चैलेंजेस बाकी हैं यहां पर। दूसरा स्टॉक अगर हम बात करें यस बैंक, SBI का स्टेक है करीब 6800 करोड़ रुपए में, 48% का स्टेक लिया था, अब 24% का स्टेक रह गया, पर भाव भी उसका बढ़ चुका है अभी यहां पर, और इनका हिस्सा करीब करीब 6000 करोड़ का अभी यहां पर मान के चलेगा कि रहेगा। लॉक इन पीरियड ऑलरेडी खत्म हो चुका है SBI का, बट आज क्यों इतनी गिरावट आई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उनका लॉक इन पीरियड आज खत्म हुआ है, और ये उनको कोई मतलब नहीं है, उनको गवर्नमेंट ने फोर्स किया था इसलिए उन्होंने इसमें पैसे लगाए, और उनको पता है कि जब SBI अगर अपना बेचना शुरू करेगा तो कोई यहां पर खरीदेगा नहीं, इसलिए आंख बंद कर एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक ऑल ऑफ देम हैव स्टार्ट सेलिंग देयर स्टॉक। इनके पास में 2-5% तक की होल्डिंग है इस कंपनी में अपनी, जहां पर SBI के पास 26% की होल्डिंग है, तो ये इतना ज्यादा सरप्लस नहीं है जितना SBI के पास में है, बट जब एकदम फ्लो आना शुरू होता है मार्केट में किसी भी क्वांटिटी का तो उसका भाव नीचे ही गिरेगा। ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन है यस बैंक के लिए, जो हमने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताई थी। ये सारे के सारे शेयर प्राइस को अगर आप देखें 70% का रिटर्न मिल रहा था, अगर प्रॉफिट बुक करें तो 60% के आसपास, डेली वॉल्यूम 2 करोड़ का है इनका, अगर 16 का एवरेज भाव भी देखा जाए तो 32 करोड़ शेयर हैंड एक्सचेंज होते हैं इसमें, 32 करोड़ रुपए की वैल्यू चेंज होती है, और जो यहां पर सप्लाई आ रही है वो करीब करीब मार्केट कैप की दृष्टि देखा जाए 6000 करोड़ रुपए की ऑफलोड किया जा रहा है अप्रोक्सीमेटली। सारे बैंक्स इंक्लूडिंग SBI बैंक का भी कुछ हिस्सा यहां पर बेचने शुरू है, जो कि 200 गुना ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अगर आपसे बात करें कि 10 गुना चलो चल जाता है कभी कभी, बट अगर धीरे धीरे 200 गुना तक निकालना है इनको एग्जिट प्राइस, तो ये शायद हमारे हिसाब से 15 फिर 14 उसके बाद शायद 13 तक जा सकता है। ग्रेजुअली ये धीरे धीरे नीचे गिरेगा, अभी यहां पर खरीदार इतनी जल्दी इसमें नहीं आएगा। विल इट डंप, यस इज अ सिंपल आंसर, और ये ऑलरेडी नियर टर्म में इसकी जो प्रेशर है सेलिंग प्रेशर वो कंटिन्यू रहेगा आगे भी। आइए इधर चलकर अब यस बैंक का टेक्निकल व्यू देखते हैं। आज यस बैंक ने भी 5% की गिरावट दिखाई है, जैसा उम्मीद की जा रही थी गैप के साथ खुला, क्योंकि यस बैंक ने यहां पर आज लॉक इन पीरियड खत्म हुआ तो देखिए हुआ नीचे खुला ये करीब 14.50 रुपए के आसपास, काफी ज्यादा बड़ा वॉल्यूम के साथ खुला, और फिर बंद होते होते ये 15.65 रुपए पर गया है। कैसे कह रहे हैं वॉल्यूम क्यों बढ़ा था सबसे पहले शुरुआत में, अगर आपको चार्ट पर दिखाएं तो इसका वॉल्यूम का चार्ट देखिए, वॉल्यूम के चार्ट पर आपको पता लग जाएगा पहले ही कैंडल में 150 मिलियन शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं इस स्टॉक के यहां पर, तो काफी प्रेशर अभी रहेगा 15 रुपए के आसपास, अभी ये स्टेबलाइज हो रहा है।
हो सकता है फिर से ये 14 रुपए के आसपास जाए ये स्टॉक यहां पर। तो यस बैंक में अभी नियर टर्म में हमारे हिसाब से आप जितना लो लेवल पर इसको खरीद सकते हैं उतना लो खरीदिएगा। आज की पूरी कैंडल बाहर बनी है, बैंडविड्थ अभी बहुत कम है, बैंडविड्थ से 13 है, आराम से 40 तक बैंडविड्थ जा सकती है। जब वॉलेटाइल स्टॉक बनता है तो ये अभी और नीचे गिर सकता है स्टॉक। अगर हम इसका सुपर ट्रेंड को देखें तो सुपर ट्रेंड ने आज इसको सेल सिग्नल इनिशिएट कर दिया, तो यहां पर ये वीकनेस शुरू हो गई है। इसमें आरएसआई 37 है, 36 है, अगर सप्लाई कंटिन्यू रही तो ये आरएसआई भी 20 तक जा सकती है। इसका मतलब आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर यानी ये हफ्ता इसमें प्रेशर रहेगा। और ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट यूएस मार्केट में गिरावट इतनी तकड़ी आ रही है जिसकी वजह से हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी नीचे चला गया है और ये इसके लिए एक चैलेंज बना देगा। यस बैंक ने आज इसको ऑफिशियली यहां पर सेल सिग्नल शुरू कर दिया है, हालांकि पिछले 5 दिनों से सेलिंग प्रेशर बन रहा था इस स्टॉक पर ऑलरेडी। अगर आज चार्ट की बात करें तो वॉल्यूम भी आज काफी तकड़ा है, देखिए यहां पर गिरते हुए नीचे से ऊपर की तरफ को पुश बना है, बट ओवरऑल अगर वॉल्यूम देखे जाए तो करीब करीब 53 करोड़ फेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं इसमें यहां पर आज के दिन। पिछले दिनों के ओवरऑल एवरेज को देखा जाए तो उससे काफी तकड़ा हाई एवरेज बन रहा है, यहां पर 500 मिलियन से ज्यादा शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं यस बैंक के। तो दोनों खबरें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने सोचा आपको पहुंचा दिए जाए। जय हिंद।